हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल के टुकड़ों, कैसे हो आप सभी के सभी। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए आपका भाई फिर से लेकर आया है, लेकिन ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत बार डाल चुका हूँ, बट अब भी आप लोगों को बहुत 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 डाउट है कि आपको अपना रील वीडियो को अपने वॉइस पे कैसे मेक किया जाए। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, वरना आप लोग कमेंट में बोलोगे भाई आप बहुत टाइम पास करते हो, क्योंकि मेरे को सब टाइम पास बहुत कमेंट में बोलता है इसलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है क्या करना है। अगर सीख जाते हो अपने वॉइस पे वीडियो बनाना तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और करना है बेल आइकन को ऑल पे, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसा कंटेंट अपने चैनल पे लाता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो आपको मेरे यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पॉपअप होता दिख रहा होगा। अब आपको कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपका भाई आपको बताएगा। बिल्कुल भी ट्रस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सेकंड वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, और इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद अगर भाई को फॉलो करना चाहते हो तो 7300 फॉलोअर्स है, इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो, ठीक है। और नीचे आपको सब्सक्राइबर दिख रहा होगा, 50K होने वाला है, उसे भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा देना, बस आपका दया दृष्टि बनाए रखना मेरे पे। तो सबसे पहले अपने वॉइस पे रील बनाने के लिए आपको वीडियो को शूट करना जरूरी है। अब आपको पता करना है कि वीडियो कैसे शूट किया जाए, किस टाइप से शूट किया जाए। तो आप यहाँ पर इजिली अपने डायरेक्टली मोबाइल कैमरा से ही आप इजिली वीडियो को शूट कर सकते हो, इस तरह से ऐसे करके वॉइस को इजीली बोल सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो वीडियो पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको वीडियो को शूट कर लेना। अगर आप चाहो तो इस तरह से वीडियो को शूट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो बैक कैमरा से वीडियो को शूट कर सकते हो। तो ये आपको दो ऑप्शन है, आपको जो सा भी जिसमें भी क्वालिटी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। और आपको वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज करना है तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उससे आप अपना वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर दिखाता हूँ, एक शायरी वीडियो बनाकर दिखाता हूँ खुद के वॉइस पे, ठीक है। यहाँ पर शायरी वीडियोस बनाने के लिए मेरे को शायरी की जरूरत पड़ेगी, तो अब वो कहाँ से आएगा, तो चलिए इसी वीडियो पे मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पे चले जाना और सर्च वाला आइकन पे जाना, और यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर पेजेस मिल जाएगा जिससे कि आप शायरी निकाल सकते हो। कभी कभी नाराजगी दूसरों से ज़्यादा खुद से होती है। तो फटाफट से मैं अपने कैमरा पे आ जाता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम से भी वीडियो बना सकते हो, इसलिए आपको चला जाना है आपको यहाँ पर रील पे और कैमरा पे क्लिक करना है और यहाँ पर कैमरा बैक करना है। आप चाहो तो यहाँ पर इफेक्ट लगा सकते हो कोई भी, तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को इफेक्ट लग गया और बहुत ही अच्छा लग रहे हैं हम इफेक्ट लगने के बाद। तो आप इस तरह से वीडियो बना सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट कैमरा से वीडियो बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट कैमरा से वीडियो बनाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी आएगा थोड़ा अच्छा ही, और यहाँ पर आप फिल्टर बाद में तो लगा ही सकते हो रील पे। तो क्या था मेरा डायलॉग क्या था, तो यहाँ पर इजिली इंस्टाग्राम पर जाकर डायलॉग देख लेता हूँ मेरा डायलॉग क्या था। कभी कभी नाराजगी दूसरों से ज़्यादा खुश से होती है, सारे इल्ज़ाम अपने सर लेकर हमने किस्मत को माफ़ कर दिया। तो ये अच्छा लग रहा है मेरे को, ये बनाते हैं। तो चलिए अब आई वीडियो को शूट करने के बारे, तो चलिए अब वीडियो को भी शूट कर लेते हैं। सारे इल्ज़ाम अपने सर लेकर मैंने किस्मत को माफ़ कर दिया। तो यहाँ पर मेरा वीडियो हो गया है शूट। आपने देखा, आपके सामने मैं वीडियो को शूट किया हूँ और यहाँ पर डायलॉग भी बोल दिया हूँ, और डायलॉग कहाँ से निकाला हूँ वो भी बोल दिया हूँ। तो यहाँ पर अपने वीडियो पे जाते हैं और यहाँ पर वीडियो को प्ले कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सारे इल्जाम अपने सर लेकर मैंने किस्मत को माफ कर दिया। तो आपको लास्ट में 3 या 4 सेकंड आपको रुकना है, वेट करना है, जिस तरह मैं यहाँ पर रुका हूँ, और यहाँ पर आपका वीडियो बन के रेडी है। अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है, आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इंसूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप क्रोम पे जाकर सर्च करो इंसूट मोड APK, आपको इजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको करना है एक एप्लीकेशन का डाउनलोड, अगर आप वो एप्लीकेशन से भी काम कर सकते हो और आप VN एप्लीकेशन से भी काम कर सकते हो। VN एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है विदाउट वाटरमार्क। अब आपको आ जाना है अपने इंसूट एप्लीकेशन पे। इंसूट एप्लीकेशन पे आने के बाद
आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेगा। इजिली यहाँ पर वीडियो पे सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टिक पे क्लिक करना है। जैसे आप टिक पे क्लिक करोगे आपका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करना, अब एडिटिंग का वारी आता है, तो चलिए अब एडिटिंग करते हैं। तो शुरू में जो एक दो सेकंड में वेट किया हूँ यहाँ पर मैं पार होने देता हूँ, और पार होने के बाद यहाँ पर ये जो लाइन है ना इसे ले लेना है और यहाँ पर स्प्लिट कर देना है, और जो ये रेस्ट पार्ट है जो लेफ्ट वाला इसे पकड़ के डिलीट कर देना है सारे इल्जाम। तो यहाँ पर मेरा वॉइस स्टार्ट हो गया, अब चले जाना लास्ट में। किस्मत को माफ कर दिया। तो यहाँ पर आपको स्लोमो देना है, तो यहाँ पर स्प्लिट करना है और ये पार्ट है ना ये पार्ट इसको देना है आपको स्लोमो। तो आप यहाँ पर कहाँ गया भाई कहाँ गया, स्पीड वाले सेक्शन पे क्लिक करो और इसे आप 70 पे कर सकते हो, ठीक है। और टिक वाले सेक्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पर आप माफ कर दिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस वीडियो पे स्लोमो भी हो जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसा बहुत सारा इफेक्ट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो फिल्टर भी है, इसलिए देख सकते हो इफेक्ट भी है। यहाँ पर आपको सारा का सारा अनलॉक है, ग्लिच है, फेड है, बीट्स है, देख सकते हो सारा का सारा अनलॉक है आपको ये एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर कुछ भी देखकर आप इजिली बहुत ही सुंदर बना सकते हो वीडियो को। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई मेरे को बताओ कि बैकग्राउंड पे म्यूज़िक कैसे लगाया जाए और उस म्यूज़िक को डाउनलोड कैसे किया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बहुत मेरे को कमेंट आता है। तो इजिली आपको इजिली म्यूज़िक लगाना सिखाते हैं। इजिली आपको यहाँ पर म्यूज़िक का सेक्शन दिख जाएगा, इजिली क्लिक करना है, प्लस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर माई म्यूज़िक दिख जाएगा। इजिली आपको ये म्यूज़िक को डाउनलोड कैसे करना है ये बताऊँगा। पहले यहाँ पर म्यूज़िक को लगा लेता हूँ, देख सकते हो मैं यहाँ पर म्यूजिक को लगा लिया हूँ। अब यहाँ पर प्ले करता हूँ वीडियो को अपना। आपको म्यूजिक को कितना साउंड रखना है इसलिए आप म्यूजिक का क्लिप को क्लिक करो और वॉल्यूम पे जाओ और यहाँ पर आपको 10 कर देना है, और 10 करने के बाद आपको इजिली प्ले करना है वीडियो को सारे इल्जाम अपने सर लेकर। और लास्ट में आपको यहाँ पर जब आप स्लोमो कर रहे हो वीडियो को स्प्लिट की हो, तो यहाँ पर आपको साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पर टैप करना है और वॉल्यूम को पकड़ के आपको 100 कर देना है, ठीक है। और आपको लास्ट में आपको जितना तक वीडियो रखना वीडियो रख सकते हो, और यहाँ पर आपको लास्ट में जो म्यूज़िक है इसे स्प्लिट करना है और डिलीट कर देना है। तो आपको यहाँ पर हो गया वीडियो रेडी, ठीक है। आप देख सकते हो मैं प्ले करके दिखाता हूँ सारे इल्जाम अपने सर लेकर, मैंने किस्मत को माफ कर दिया। तो देख सकते हो आपके सामने कितना अच्छा रील बन गया है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगा सकते हो, VN एप्लीकेशन का भी यूज़ करके आप इफेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए वो सारा आप चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। इसलिए सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका वीडियो देख सकते हो सेव होने लगा है, तो इसे होने देते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो सेव लिखा गया है। यहाँ पर अब आपको चले जाना फटाक से अपने इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पर जाने के बाद रील वाला सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे पे प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा गैलरी का, इसलिए यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर जो भी आप वीडियो एडिट किए हो इसे सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और ऊपर पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए फिल्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल्टर चूज़ करना। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक ये फिल्टर चूज़ कर लेता हूँ, और देख सकते हो मेरा वीडियो का क्वालिटी भाई, अब डायरेक्ट बनाते तो ऐसा वीडियो क्वालिटी नहीं आता, और यहाँ पर मेरा वीडियो क्वालिटी पूरा इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके आपका वीडियो यहाँ पर रेडी है, आप यहाँ पर इजिली ये रील को पोस्ट कर सकते हो अपने वॉइस का। तो चलिए अब फटाफट बात बता दें कि आपको यहाँ पर म्यूज़िक को कैसे डाउनलोड करना है, बट इसे आप पोस्ट कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए किस तरह अपने रील को पोस्ट किया जाए, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, आपका भाई अपलोड करेगा ऐसा वीडियो। हैशटैग उशटैग के बारे में मैं बता दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट करना आता होगा रील वीडियो, तो इसलिए आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैसे डाउनलोड करना है कोई भी म्यूज़िक को, तो आप यहाँ पर यूट्यूब पे जाओ, ठीक है। यूट्यूब पे जाने के बाद आप कोई सा भी म्यूज़िक को सर्च कर लो, जो भी आपको म्यूज़िक चाहिए, कोई सा भी लाइन का आपको लिरिक्स याद है, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे जाने के बाद कोई सा भी आपको म्यूज़िक चाहिए तो यहाँ पर फटाक से सर्च कर लो। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो शायरी बैकग्राउंड म्यूज़िक, शायरी बैकग्राउंड म्यूज़िक लिखने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा म्यूज़िक देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट आपको हिंट्स दे रहा हूँ
जान लो, क्योंकि ये बताना खिलाफ है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, इसलिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है, शेयर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, नीचे चले जाना है, और नीचे जाने के बाद ये एप्लीकेशन है ना, डाउनलोड का एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को आपको करना है डाउनलोड अपने फ़ोन पे। और ये एप्लीकेशन का नाम क्या है वो जान लो, ये एप्लीकेशन का नाम है स्नैपट्यूब, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वाला सुन लेगा तो मेरा वीडियो पे स्ट्राइक दे देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा? तो ये एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है आपको क्रोम पे, गूगल क्रोम पे मिलने वाला है। अगर आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा ऐसा वीडियो बना हुआ है कि स्नैपट्यूब एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करें, तो आप जाके देख सकते हो। इसके थ्रू से आप कोई भी म्यूज़िक को या कोई भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बट थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई नहीं, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। आप यहाँ पर इसी तरह YouTube से कोई भी फनी साउंड निकाल सकते हो, कोई भी सैड साउंड निकाल सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड पे लगाने के लिए किसी तरह का साउंड निकाल सकते हो। बहुत जन बोलता है कि भाई मेरे को बताओ गन का आवाज़ कैसे लगाए, तो इसी तरह से आपको गन का आवाज़ भी ऐड करना है। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप वो भी जाके देख सकते हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरा पहले वाला भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों किस तरह का आपको कॉन्टेंट चाहिए प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।